हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि आप अपने वार्डरोब को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने राइस बैग लिया हुआ है इस तरीके का, जो कि बहुत ही आसानी से हमें मार्केट से मिल जाता है और आपके घर आते भी होंगे। तो इस तरीके के राइस बैग का यूज़ करना आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें लेना है, एक साइड में हमने इसकी लंबाई ली हुई है 20 इंच और इसकी चौड़ाई हमने 15 इंच ली है। और इसी तरीके से अब हमें कपड़े लेने हैं और एक कपड़ा हम इसके नीचे रखेंगे और दूसरा कपड़ा हम इसके ऊपर वाले पार्ट पर रखेंगे। तो जो नीचे वाला पार्ट हमारा है फैब्रिक का, वो इसी के साइज़ का रहेगा बिल्कुल। और जो हम ऊपर वाला पार्ट रखेंगे ये तो 2 या 3 इंच इससे बड़ा रहेगा। तो जैसे कि अगर हमारा राइस बैग 20 इंच का है तो हम इसको 23 इंच कर देंगे ऊपर वाले पार्ट को। ये देखिए, मैंने 23 इंच रखा है। ऊपर वाला पार्ट और इन तीनों पार्ट्स को हम इस तरीके से सेट करेंगे। और अच्छे से इसको सेट करने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पे नीचे रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बैक पे प्रिंट है तो इसलिए ये इसमें से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट ये वाला हमारा पार्ट अंदर चला जाएगा तो ये दिखेगा नहीं। और इस तरीके से आप लगा सकते हैं उसको, यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें ये ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा, इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से ऊपर इसको फोल्ड कर देना है और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो अंदर चला जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से सेट करना है। आप कॉटन फैब्रिक का ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि ये बिल्कुल सेट हो जाता है, नहीं तो आप और भी कई फैब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो बकरम लगा कर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से स्टिचिंग कर दी है इसकी। और अब हमें, अगर आप ज़िप लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके की ज़िप ले सकते हैं कोई भी कलर कंट्रास्ट की। और इस तरीके से इसी के साइज़ की हमें, ये देखिए, ये दोनों कॉर्नर पे हमें लैस को ज़िप को इस तरीके से लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से ज़िप को लगाना है। दोनों साइड में, और ये दोनों साइड हमारा देख लेना है कितना है। दोनों तरफ 5-5 इंच हमारा आया हुआ है तो इस तरीके से हम 5-5 इंच दोनों साइड में रखेंगे। और फिर इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर, दोनों कॉर्नर से हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है, दोनों साइड से मैंने इसको सिल दिया है। जो कि हमने लंबाई इसकी 20 इंच ली थी तो ऊपर हमारा 5-5 इंच आया है और नीचे 10 इंच आया है। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसका अब निकाल देंगे। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है और इसका धागा भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, और इस तरीके से हमने दोनों साइड से इसको सिल दिया है। ये देखिए, इस तरीके से अभी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसका ज़िप मैंने लगा दिया है और अब हमें इसके कॉर्नर पे इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर लूँगी और यहाँ पे मैंने इस तरीके से 4 सेंटीमीटर पे निशान लगाया है। और अब इसी तरीके से इसको ट्रायंगल शेप में निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से, और इसी तरीके से हमें चारों ओर इसी तरीके का निशान लगाना है और फिर उसको कट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से चारों तरफ निशान लगा लिया है और अब इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से कट कर लिया है।
और अब यहाँ से हमें एक पार्ट इसका लेना है। एक सेकंड मैं दिखाती हूँ किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है इसको। ये देखिए, ये यहाँ से हमें इसको ओपन करना है और इसको इस तरीके से, ये वाली जो सिलाई है हमारी और नीचे वाला पार्ट हमें इस तरीके से उठाकर इसमें ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, यहाँ से इसको सिलाई लगा देनी है। तो चलिए इसको भी जल्दी से हम स्टिचिंग कर देते हैं। इसी तरीके से हम चारों तरफ इसकी स्टिचिंग करेंगे और ये कुछ इस तरीके का बनकर रेडी होगा। ये देखिए, मैंने चारों तरफ इसकी स्टिचिंग कर दी है और अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था वो अंदर हो चुका है और इस तरीके से ये स्काई ब्लू वाला पार्ट हमारा ऊपर आ गया है और इसके हम कॉर्नर को अच्छे से निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का हमारा छोटा सा बैग बनकर रेडी हुआ है और इसमें अब हम यहाँ पे साइड में लूप लगाएंगे। तो इसके लिए भी मैं छोटी सी पट्टी लूँगी इस तरीके की। मैंने दूसरे का फैब्रिक की यहाँ पे एक लूप लगाना है, तो दूसरे फैब्रिक का भी आप यूज़ कर सकते हैं कपड़ा, या तो फिर आप इसी का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरे कलर की फैब्रिक का यूज़ किया है और इसी से मैंने यहाँ पे इसका एक छोटा सा लूप लगाया है इस तरीके से। तो ये हमारा बैग बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और ये ख़ास तौर से आप इसको वार्डरोब के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी छोटी मोटे सामान जैसे लॉन्ड्रीज वगैरह, हैंकी और सॉक्स वगैरह मिलते नहीं हैं वार्डरोब में, इधर उधर रहते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसमें सेट कर रख सकते हैं और इस तरीके से आप इसको चाहे तो मेकअप किट के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको मेडिसिन ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने इतने मेकअप के सामान रखे हैं बट इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो आप इसमें और भी चीज़ें रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसमें काफ़ी स्पेस अभी बची हुई है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस दो या तीन सिलाई में ये बनकर रेडी हो जाएगा और इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है। और इस, ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं ट्रैवल्स के लिए भी जाना हो तो आप इस तरीके से अपने नाइट सूट्स वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है और इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। और ये देखिए, अभी इसमें मैंने टी शर्ट्स वगैरह, लोअर वगैरह रखे हैं, तो भी इसमें काफ़ी स्पेस अभी बची हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें आप और भी सामान अपने रख सकते हैं यूज़ के। और अगर आपको वार्डरोब में इसे लगाना है तो आप इसको कहीं भी अपने वार्डरोब में इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें सेट करके रख सकते हैं और फिर आप अपने वार्डरोब में कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। ये देखिए, मैं अलमीरा में इसको हैंग करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आप इसको अपने वार्डरोब के डोर में या तो फिर आप बिल्कुल सेंटर में इसको हैंग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपकी हर चीज़ें मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो और काफ़ी यूज़फुल लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितनी यूज़फुल लगी। और नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा और पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।